हेलो डियर स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल मॉडल क्वेश्चन सेट ए 2023 क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज कॉमर्स इन इंग्लिश मीडियम। तो कक्षा ट्वेल्थ का इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कॉमर्स का क्वेश्चन आंसर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर वन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। जैसा कि स्टूडेंट जैसे जैसे एग्ज़ाम दिला रहे हैं उसके हिसाब से पता चलता है कि इसमें से 40 से 50 नंबर तक के क्वेश्चन जो है आ रहे हैं जो बोर्ड ने जारी किए। देखिए, इस क्वेश्चन पेपर को मैं स्वयं जो है नहीं बनाया हूँ, तो ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है ना। तो कई स्टूडेंट जो है ब्लेम कर देते हैं कि सर इसमें से कुछ भी नहीं आया। भाई, मेरा काम था उसको सॉल्व करके दिखाना, आपको उसका सॉल्यूशन निकालना जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है ना। मैंने उसको स्वयं से नहीं बनाया क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक्स लिमिटेड सफर्ड लॉस ड्यू टू क्लाउड बस्ट, व्हाट इज़ द रीजन। तो नेचुरल रीजन, पॉलिटिकल रीजन, तो इसमें नेचुरल रीजन आएगा दोस्तों। हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इसमें आएगा एफ डब्ल्यू टेलर, सी ऑप्शन। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट इन विच कंपनीज रिक्रूट कैंडिडेट डायरेक्टली रिक्रूट्स फ्रॉम प्रोफेशनल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, तो ये होता है कैंपस इंटरव्यू। नेम द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन विच 50 लाख वाज इन्वेस्टेड, तो ये हो जाएगा स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है। ये होगा बी, स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस जो लिखा है वाला ऑप्शन। ए कंपनी वांट टू पे सम पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट शेयर होल्डर इन विच, तो होगा डिवाइडेंड डिसीजन। फिल इन द ब्लैंक्स, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप बिजनेस इज अनलिमिटेड आएगा इसका आंसर। इनकम इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट श्योर। पावर बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन। द प्लान मिनिमाइज रिस्क सेलेक्शन आएगा इसमें। मैनेजमेंट इज बोथ ऑफ साइंस एंड आर्ट, ट्रूथ है। सेकेंड वाला फाल्स है, थर्ड जो है फाल्स है, फोर्थ ट्रूथ है एंड फिफ्थ फाल्स है। आंसर इन वन वर्ड, इन विच ईयर वाज द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड। 14 जनवरी 2003। हु इज द किंग ऑफ द मार्केट कंज्यूमर, आंसर है। हाउ मैनी टाइप ऑफ मार्केट, टू टाइप ऑफ मार्केट, होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। What is the import trade? उसके बाद है write the meaning of consumer protection. Direction 2 and 2, 13 are very short answer type question. Each question is allotted 2 mark. Question 2, what is meant by employment? तो note करते जाइए दोस्तों, English medium में explanation नहीं करूँगा। The field in which a person works does work in different periods of his guard to livelihood or vocation. What is meant by industries? The human work of manufacturing products good in large quantities are called. What is a public company? Public company is the company, that company which can issue share. Question 5, what is multinational company? तो answer note कर लीजिए। Question 6 है, what is the meant by small business? क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज़ मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, आंसर दिया हुआ है, नोट करते चले जाए। एंड इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं, ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन 9, व्हाट आर द प्रिफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन 10 है, नेम 4 सोर्सेस लॉन्ग टर्म फाइनेंस। व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन 12 है, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल प्लानिंग। क्वेश्चन 13 है, व्हाट इज़ रिटेल ट्रेड। क्वेश्चन 14 to 19 आर वेरी सेट आंसर टाइप को, इस क्वेश्चन इज अलॉटेड 3 मार्क्स। राइट 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, तो यह है इसके आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 15 है, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप बिजनेस एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो इसमें पहला पॉइंट है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन 16 है, राइट टू लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। क्वेश्चन
17 राइट थ्री डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग इज ए लर्निंग प्रोसेस फॉर न्यू एम्प्लॉयज इन विच दे आर एक्सपोर्ट टू द स्किल रिक्वायर्ड. ये पहला है, नंबर नहीं डला हुआ है दोस्तों. ट्रेनिंग इज ए शॉर्ट टर्म प्रोसेस 3 to 16 months. क्वेश्चन 18, राइट द इम्पोर्टेंट ऑफ मोटिवेशन इन 3 points. क्वेश्चन 19 है, राइट थ्री डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन. क्वेश्चन 20, राइट फोर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग. एक्सप्लेन फोर कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. क्वेश्चन 20, राइट द एडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द कंपनीज और राइट फॉर लिमिटेशन ऑफ डिबेंचर्स. लिमिट ऑफ डिबेंचर्स आर. क्वेश्चन 22, राइट एनी फोर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और राइट फॉर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ गुड्स फाइनेंशियल प्लानिंग. ट्वेंटी थ्री, एक्सप्लेन द फोर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. एक्सप्लेन द फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट. क्वेश्चन 24, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ प्लानिंग. और एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस. एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइंट वाइज है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ द मार्केट, सेकेंड पॉइंट नेचर ऑफ प्रोडक्ट, थर्ड पॉइंट नेचर ऑफ द कंपनी, फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट्स. राइट द फंक्शन ऑफ चैनल इज डिस्ट्रीब्यूशन. क्वेश्चन 26 and 27 are 6 marks. राइट थ्री सैलियंट फीचर्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. इसके बाद है, और डिस्क्राइब द मेजर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. लोक अदालत, पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नेंस, रेडरेसल फोरम एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, अवेयरनेस प्रोग्राम, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन. एक्सप्लेन सिक्स एक्टिविटीज परफॉर्म इन द मार्केटिंग. एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन बेसिस ऑफ यूटिलिटी.